Hello, my dear friends and students. मैं हूँ रामहरि साहू. Dear friends, आज इस lesson में हम सीखेंगे a large number of का प्रयोग. लेकिन इस lesson के और जाने से पहले मैं आपसे एक request करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है, please अब subscribe कर दीजिए. और subscribe के पास जो bell के icon है, उस bell के icon को press करें ताकि आने वाली हमारी हर videos की notification सबसे पहले आपको मिलती रहे. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ, माय डियर फ्रेंड्स, इस अ लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग उन सिचुएशन के लिए होता है जब ऐसे सिचुएशन आती है कि बहुत सारा, बहुत सारे और बहुत सारी, बहुत सारा, बहुत सारे और बहुत सारी, जब ऐसी सिचुएशन आती है उन सिचुएशन के लिए अ लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग होता है. पर एक बात याद रखिएगा, इस अ लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है. और एक बार रिपीट कर देना चाहूंगा कि इस अ लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है. ओके, सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है. ओके, और फ्रेंड्स, जहां तक इस अ लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग का सवाल है, इस अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन प्रयोग होगा. याद रखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा. ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दिस इज क्लियर यू. तो चलिए, अब ज्यादा जानकारी के लिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसके माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे. ओके, I saw a large number of tigers in the zoo. मैंने चिड़ियाघर में बहुत सारे बाघ देखे. मैंने चिड़ियाघर में बहुत सारे बाघ देखे. ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, a large number of के बाद tigers का प्रयोग हुआ, जो कि ये एक plural countable noun है. यानी कि tiger को किया गया tigers. ठीक है, तो चलिए इसका और एक example देखते हैं. The mad dog has beaten a large number of people. पागल कुत्ता ने बहुत सारे लोगों को काटा है. पागल कुत्ता ने बहुत सारे लोगों को काटा है. ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, a large number of के बाद people का यूज हुआ, जो कि एक plural countable noun है. ओके, यानी कि person का plural countable noun होता है people, जो कि यहाँ पे people का यूज किया गया. ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और एक एग्जांपल देखते हैं. He told us a large number of stories. उसने हमें बहुत सारी कहानियां सुनाई. उसने हमें बहुत सारी कहानियां सुनाई. ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, a large number of के बाद स्टोरीज का प्रयोग हुआ है, जो कि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है. स्टोरी का प्लूरल है स्टोरीज. ओके, तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ चेयर्स इन दिस रूम. इस कमरे में बहुत सारी कुर्सियां हैं. इस कमरे में बहुत सारी कुर्सियां हैं. ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद चेयर्स का प्रयोग हुआ, जो कि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है. ओके, तो चलिए इसका और एक एग्जांपल देखते हैं. We meet a large number of people here. हम यहाँ बहुत सारे लोगों से मिलते हैं. हम यहाँ बहुत सारे लोगों से मिलते हैं. ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, a large number of के बाद पीपल का प्रयोग हुआ है, जो कि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है. ओके, यानी पर्सन का काउंट प्लूरल है पीपल. तो चलिए इसका और एक एग्जाम्पल देखते हैं. You have a large number of supporters. आपके पास बहुत सारे समर्थक हैं. आपके पास बहुत सारे समर्थक हैं. ओके, यानी कि समर्थन करने वाले बहुत हैं आपके पास. तो ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद सपोर्टर्स का प्रयोग हुआ है, जो कि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है. ओके, तो चलिए इसका और एक एग्जांपल देखते हैं. देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर बहुत सारी किताबें थी. टेबल के ऊपर बहुत सारी किताबें थी. ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद
बुक्स का प्रयोग हुआ जो कि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ओके तो चलिए फ्रेंड्स इस लेसन का लास्ट वन देखते हैं। आई एट अ लार्ज नंबर ऑफ मैंगोस, मैंने बहुत सारे आम खाए, मैंने बहुत सारे आम खाए। ओके तो देखिए फ्रेंड्स अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद मैंगोस का प्रयोग हुआ है जो कि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यानी कि मैंगो को किया गया मैंगोस। ओके सो फ्रेंड्स ये था आपका अ लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग बहुत सारा, बहुत सारे और बहुत सारी अर्थ में। ओके सो माय डियर फ्रेंड्स आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाटएवर आई टॉट इन दिस लेसन। अगर आपको समझ में आया हो तो सबसे पहले इसका प्रैक्टिस करें और जब इसकी सिचुएशन आएगी प्रयोग करें। ओके सो माय डियर फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट भी करें वीडियो कैसी लगी, और जो भी आपकी तरह इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे वीडियो अगर आप रोज देखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास जो बेल का आइकन है उस बेल का आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ओके सो माय डियर फ्रेंड्स आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।